छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत में आंशिक सुधार हुआ है। मेडिकल बुलेटिन में श्री नारायणा अस्पताल की ओर से बताया गया है कि ऑडियो थेरेपी के बाद उनकी तबीयत में आंशिक सुधार हुआ है। दिमाग में कुछ हलचल देखने को मिली है, आंखों की पुतलियों के फैलाव में भी कमी आई है। हालांकि बुलेटिन में ये भी कहा गया है कि बाकी सारी स्थितियां पहले जैसी ही बनी हुई हैं। अगले 24 से 48 घंटे का वक्त अहम रहेगा, अभी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अजीत जोगी का इलाज ऑडियो थेरेपी द्वारा किया जा रहा है ताकि उनका ब्रेन एक्टिव हो सके, जिसके लिए उन्हें उनके पसंदीदा गाने सुनाए जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अजीत जोगी से मिलने श्री नारायणा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अजीत जोगी का हालचाल जाना और उनके परिवार से भी मुलाकात की। बता दें कि जोगी बीते 84 घंटों से कोमा में हैं। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और सांस दी जा रही है। हालात अभी भी गंभीर और स्थिर हैं। जोगी को 3 दिन पहले घर पर गंगा इमली खाते वक्त कार्डियक अरेस्ट आया था। जोगी के गले में इमली का बीज फंस गया था, इससे उनकी सांस कुछ देर के लिए रुक गई थी। श्वास नली में बीज फंसने से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि अजीत जोगी बेहद जीवट व्यक्ति हैं। उन्होंने कई बार मौत को मात दी है। बचपन से संघर्ष कर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्र में शिखर तक पहुंचे। अस्पताल में कई दफा बहुत ही गंभीर स्थिति में भर्ती होने के बाद भी वो जिंदगी और मौत की जंग में जीत कर लौटते रहे हैं। न्यूज डेस्क।